हेलो फ्रेंड्स, जीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे, आपने उन्हें देखा होगा, और यदि अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल के पुराने वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में ही बनी बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, जो आप जहाँ से सब्सक्राइब करते हैं चैनल को उसके बाजू में ही एक बेल आइकॉन बना होता है, उसको प्रेस कीजिए। उसी को दबाने से आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित लिंक और PDF मिल जाएंगी। हम सारे वीडियो की PDF तो वहाँ अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन आपको फिर भी महत्वपूर्ण PDF वहाँ से मिलेंगी, महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक और भी कुछ लिंक और PDF आपको वहाँ मिलेंगी जो हम यहाँ पे चैनल पर नहीं डालते। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमें मैसेज द्वारा अपनी डिमांड बताइए, हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि इकोनॉमिक्स सीरीज का अगला लेसन प्लान है, यानी पाठ्य योजना क्रमांक 6। सबसे पहले हम इसी तरीके से पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे, फिर उसके बाद ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाएंगे जिसमें छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम लिखना होता है। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ, आप सभी अपना अपना नाम लिखें। विद्यालय के नाम में जो भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए सेंट्रल अलॉट किया जाएगा उसका नाम लिखें। कक्षा हमारी 11वीं का प्रकरण है, विषय है अर्थशास्त्र, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र। उसके भी अंतर्गत हमने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सारे लेसन प्लान बनाए हैं। फिर हमारा प्रकरण है मांग का नियम, और दिनांक, समय और कालखंड आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें। फिर सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य डालते हैं, लिखते हैं, यानी कि हमारा पहला पॉइंट होता है जिसमें हमारे जो भी सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पूरे हमारे विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि हमारा विषय है अर्थशास्त्र, तो हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड ही होंगे। पहले हम बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य ही छात्रों में शब्द भंडार का विकास करना, छात्रों को आर्थिक नियमों के बारे में समझाना, छात्रों को व्यावसायिक विकास करना, छात्रों में अर्थग्रहण शक्ति का विकास करना, छात्रों में शब्द उच्चारण का विकास करना, छात्रों में व्यावसायिक रूप रेखा चित्र स्पष्ट करना, छात्रों को आर्थिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रदान करना। मैंने यहाँ छात्र लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पे विद्यार्थी लिखें यदि आपको एड स्कूल में पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या छात्र छात्राएं दोनों लिखें। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा प्रकरण है मांग का नियम, तो उसी से रिलेटेड हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि छात्र मांग का नियम समझेंगे, छात्र मांग के नियम की परिभाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, मांग वक्र को समझेंगे, मांग की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करेंगे, मांग की संपूर्ण व्यवस्था का वर्णन समझेंगे। ये सब हो गया हमारे प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, सहायक सामग्री। चार्ट, डस्टर, लपेट, चम्पट, चार्ट, संकेत आदि हो गए हमारे सहायक सामग्री। आप यदि कुछ और इस्तेमाल करें तो वो भी लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान, यानी कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं। तो बच्चे मांग के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, यानी हमारा पिछला टॉपिक ही मांग था तो वो मांग के बारे में जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट शिक्षण विधि, जिसमें व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर हमारा अगला पॉइंट प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, छात्र अध्यापक व्यवहार या अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार कॉलम बनाएंगे। इसमें बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों घर में उपयोगी जरूरी चीज़ों को क्या कहेंगे, तो आवश्यक सामग्री, पैसा देकर आवश्यक सामग्री को लेने की क्रिया को क्या कहेंगे, खरीदना या क्रय, वस्तु की खरीदी के लिए क्या चुकाते हैं, धन या पैसा, वस्तुओं की मांग व मूल्य में कमी या वृद्धि को क्या कहते हैं। तो ये उनको नहीं पता है, यही हमें उन्हें बताना है। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम बच्चों से कहेंगे कि छात्रों आज हम मांग के नियम का अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। फिर आता है अगला पॉइंट प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार और श्यामपटकार कॉलम बनाएंगे। इसमें हम मांग नियम का अर्थ समझाएंगे कि मांग का नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के विपरीत संबंध होता है। इसके
शब्दों में किसी वस्तु के दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कम हो जाती है। यह मांग का नियम है। हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम मांग की परिभाषा, यहाँ हम उनसे बोधात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं, यानी कि हम उनको मांग का अर्थ पूछ लेंगे इस समय। फिर हम मांग की परिभाषा बताएंगे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। छात्र क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इस तरीके से हम ब्लैकबोर्ड पर भी संसद करते चलेंगे। फिर हम मांग के नियम लागू होने के कारण बताएंगे उनको कि उपयोगिता मूल्य प्रभाव आय प्रभाव, इस तरीके से हम ये सारे पॉइंट उनको बार बार दोहरवाएंगे और यही हम ब्लैकबोर्ड पर भी लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बच्चे जो हैं वो यहीं पर सीख जाएं। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि मांग क्या है वो बताएंगे हमें। फिर मांग नियम अपवाद हम उन्हें वो सारे एक्सप्लेन करेंगे और यही हम ब्लैकबोर्ड पर भी लिखेंगे। छात्र क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्याम पटकार, हम श्याम पटकार ऐसा प्रारूप बनाकर लगाएंगे, इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल और सिल्वर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गृहकार, जिसमें हम उन्हें घर के लिए होमवर्क देंगे। इस तरीके से हमने तीन प्रश्न दिए हैं कि मांग का नियम क्या है, मांग के नियम के अपवाद बताइए, मांग के नियम लागू होने के कारण बताइए। फिर कक्षा कार्य, ये हमने आगे पीछे लिख दिया है, आप पहले कक्षा कार्य लिखिए फिर गृहकार्य, कि मांग नियम का अर्थ समझाइए, मांग नियम की परिभाषा बताइए। ध्यान रखिएगा हमसे लिखने में गलती हो गई है तो आप इसको पहले लिख लें और उसको बाद में। फिर आता है टिप्पणी, जिसमें आपका जो भी पर्यवेक्षक होगा आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां थी, यानी आपके लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स एंड सजेशन। फिर आता है हस्ताक्षर के कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विशेष शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, हमारी पाठ योजना समाप्त होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद जी।